थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा चेंज तो आपको दिख ही गया होगा कलर, ये कलर पहले नहीं था, पहले इट यूज़ टू कम इन मैट कलर ब्लैक एंड रेड में, लेकिन अभी ये जो कलर दिया है ये ग्लॉसी ब्लैक कलर दिया है। और इसके साथ ही अगर आपने गौर किया तो यहाँ पे भी ये रेड कलर का स्ट्राइप्स यहाँ पे दिया है एंड बीच में कुछ और कलर दिया है, यहाँ पे हॉर्स का सिंबल दिया है। आपको एक बार चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ, तो ये स्ट्राइप्स जो दिया है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ टैंक के ऊपर भी है और सामने की तरफ जो मैंने अभी आपको दिखाया है। और प्राइस डिटेल्स अभी कुछ बताया नहीं गया है यहाँ पे, और आई थिंक हैदराबाद का पहला डिलीवरी यहीं पे है ना, पहला बाइक यहीं पे आया ना, ये हैदराबाद का पहला बाइक आया यहाँ पे शोरूम में। शोरूम का नाम बताइए भैया। इंदुबाला ऑटोमोबाइल, इंदुबाला ना, कोंडापुर में है ना, गच्चीबोली ऑन द वे टू कोंडापुर रोड। और इसके अंदर जो एक दूसरा मेजर चेंज हुआ है इसमें स्लीपर क्लच, पहले अगर आपने इसका वीडियोज़ वगैरह देखें या फिर आपने अगर ये बाइक चलाई है तो इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच नहीं था, दैट वाज द ओनली थिंग विच वाज मिसिंग इन दिस बाइक, नाउ दे हैव एडेड द स्लीपर क्लच आल्सो। तो सिक्स गियर है इसके अंदर, आप अभी आपको स्लीपर क्लच भी दिया है और वो साइड में आपको मैं दिखा देता हूँ। अरे भैया दिखा दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं RT स्लीपर क्लच, और TVS रेसिंग का नाम आपको पहले भी यहीं पर दिया गया था एंड यहाँ पे लिखा है डू नॉट ब्लॉक। ये फेयरिंग है, टोटली फुल फेयर्ड बाइक है ये, और कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं। प्राइस अभी तक पता नहीं चला है, जैसे ही प्राइस पता चलेगा मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू अपडेट कर दूंगा या फिर एक नया वीडियो बना के आपको बता दूंगा। इसका टेस्ट राइड मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ, हालांकि अभी टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये पहला बाइक यहाँ पर आया है तो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे रेड कलर जो दिया है वही मुझे ज़्यादा पसंद आया, और हो सकता है आपको ग्लॉसी कलर पसंद आए। शोरूम का डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कलर है ये पहले से था रेड कलर, एंड वहाँ पे जो पुराने वाला खड़ा है ये वाला जो कलर है इसके अंदर भी आपको स्लीपर क्लच दे दिया है। तो अब इसमें तीन कलर है, रेड हो गया, मैट ब्लैक हो गया यहाँ पे जो है, और जो आपने पहले देख लिया है वो है ग्लॉसी ब्लैक। और मेरा पर्सनल फेवरेट तो फिर भी रेड ही रहेगा, ये फेरारी रेड है, और ये जो स्ट्राइप्स दिया है यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे ही यहाँ पे टेस्ट राइड अवेलेबल होगा मैं ट्राई करूँगा कि इसका एक टेस्ट राइड वीडियो भी बनाऊँगा, अभी तो सिर्फ एक छोटा सा वीडियो था जो आपको अपडेट देने के लिए। अगर आप हैदराबाद से हैं और ये बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल कि दैट अभी एक ही चीज़ मिसिंग थी इसके अंदर, वो था इसमें स्लीपर क्लच, वो अब इसमें दे दिया गया है। सो यू गेट दिस स्लीपर क्लच नाउ इन दिस बाइक एंड इज़ नो अदर चेंज डन ऑन द इंजन पार्ट। और जहाँ तक मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, वेबसाइट्स पे देखा है और शोरूम में भी मुझे बताया जा रहा है कि इसमें जो पहले वाइब्रेशन का इशू था वो भी अभी रिजॉल्व कर दिया गया है, अब इसके अंदर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं आएंगे, और हो सकता है कि वाइब्रेशन आए ही नहीं। लेकिन ये सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसमें वाइब्रेशन तो आते ही है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितना पहले वाली RR 310 में आते थे। तो यही था एक छोटा सा वीडियो जो आपके लिए मैं बनाना चाहता था। तो अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए बाइक के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं, एंड आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटे का बटन है वो भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो, मेरी तो स्किन स्पिन कर जाएगी, मेरी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, मुश्किल है, नहीं जा सकते। चल ट्राई करेंगे फिर भी, चलो चलो चलो। अरे यार शिट, वी कैन गो स्ट्रेट ना मामा, विल गो स्ट्रेट एंड देन टेक। टू मच ऑफ ट्रैफिक, ओह माय गॉड, कैसे जाएंगे अभी? कैसे जाएंगे? हाउ विल वी गो देन? नॉर्मल वे आउट है, गो स्ट्रेट देन टेक लेफ्ट।
कैसा करेंगे बोलो? ये एक तरीका वापस जाने का। ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक कितना है, बहुत ट्रैफिक है। गूगल ओपन करो ना यार, देखो। चलो चलो, लेट्स गो। अरे आओ यार, सडनली थोड़ा एक्सीलेटर मार दे रहा हूँ तो स्पिन हो रहा है टायर पीछे, दो बार स्पिन हो गया अभी तक। It was too hot in the daytime, but now I feel like going out for a ride of around 50-60 kilometer. बस यही दिमाग खराब होता है। बस स्पोर्ट्स बाइक का हर जगह मजा आता है, बड़ी जो इंजन सिस बड़ा इंजन रहता है उसका, लेकिन जब ये ऐसा ट्रैफिक में आते हैं ना, दिमाग खराब होता है। अब बहुत गर्म हो जाएगी।